कोरोना ने छत्तीसगढ़ के महिला तहसीलदार की जिंदगी छीन ली। जानकारी के अनुसार करिश्मा वर्मा अभी 3 महीने ही गरियाबंद तहसीलदार के रूप में ज्वाइन की थी। इससे पहले वो जगदलपुर में पदस्थ थी। वह 2013 बैच की अफसर हैं। वे 25 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव मिली थी। करिश्मा वर्मा के साथ उनके IAS पति चंद्रकांत वर्मा भी पॉजिटिव हुए थे। हालांकि कुछ ही दिन में गरियाबंद जिला पंचायत CEO चंद्रकांत वर्मा कोरोना से स्वस्थ हो गए, लेकिन तहसीलदार करिश्मा वर्मा की तबीयत बिगड़ गई। 6 मई को उन्हें रायपुर के एम्स में भर्ती कराया गया। करिश्मा वर्मा की तबीयत पर निगरानी के लिए एम्स में डॉक्टरों की एक टीम भी तैयार की गई थी। गर्भवती होने की वजह से उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ती चली गई। हालांकि उनकी जान बचाने के लिए अबॉर्शन भी किया गया था, लेकिन उसके बाद उनकी तबीयत और बिगड़ गई। 3 दिन से उनका ऑक्सीजन लेवल काफी डाउन चला गया था, साथ ही उनका BP भी काफी लो हो गया था। हालांकि एयर एम्बुलेंस से उन्हें बाहर ले जाने की भी बात कही जा रही थी, लेकिन स्थिति बेहद गंभीर हो जाने की वजह से उन्हें दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सका। डेस्क रिपोर्ट, समय न्यूज़।